हाथरस में दलित युवती की हत्या से भड़का वाल्मीकि समाज। हाथरस में दलित युवती की दुराचार के बाद हत्या से वाल्मीकि समाज भड़क गया है। आक्रोशित सफाई कर्मचारी ने यूपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और हड़ताल की। आपको बता दें कि गुरुवार को सुबह से सभी सफाई कर्मचारी नगर निगम में हड़ताल पर बैठे गए थे और अपने हाथों में काला रिबन बांध कर अपना विरोध प्रकट किया, जहां उन्होंने कहा कि यूपी स्थित हाथरस के जिस क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया गया, वहां की पुलिस को निलंबित कर उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा उन्होंने हत्यारे और बलात्कारियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाना चाहिए और आरोपियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे महिलाएं सुरक्षित रह सके, उनके साथ ऐसी वारदात न हो सके। मेरठ से अमर सिंह राठौर की रिपोर्ट। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। भाइयों, मेरी माता और बहनों, सभी सम्मानित उपस्थित रहे, आंदोलन किया, किस वजह से किया है, हाथ रखने वाली घटना को लेकर हम लोग आंदोलन में और सुबह से सफाई का चक्कर जाम है। जब तक घटना तो हो गई, चार लोग दो गिरफ्तार भी हुए। देखिए, गिरफ्तार जो हो टुकड़ों में हुए, बारी बारी से गिरफ्तार, उसी दिन गिरफ्तार क्यों नहीं गया, जिस दिन घटना घटी अगली घटना घटी। आज पूरा देश प्रदेश के अंदर यह धरना प्रदर्शन नहीं होता, गुनहगारों को पूरा छूट दी गई, उन्हें बचाने का प्रयास किया गया है। आज वो बेटी जो मरी, इस शासन हाथरस के शासन प्रशासन और प्रदेश सरकार की वजह से वो बेटी मरी है, जिसके घर उजड़ा है, उससे बुजुर्ग माता पिता से बुझो जिसने पैदा की, और पैदा जवान बेटी वो मर गई, उस घर क्या बीती होगी, तो वो बताएगा। आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उस बेटे की के लिए, जब तक उसको पूरा इंसाफ नहीं मिल जाएगा, ये बराबर प्रदर्शन हम लोगों का जारी। और आज मैंने हाई कोर्ट में अपनी दायर कर दी है उस बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। चारों को फांसी की सजा हम लोग दिलाकर रहेंगे, चाहे हमें कौन सी भी हरकत, चाहे हमें किसी भीख भी मांगनी पड़ जाए। आंदोलन को लेकर क्या आपने हड़ताल भी, आज सुबह से हड़ताल है, सभी का चक्का जाम है आज से सुबह से। वही लड़की के पिता का ये कहना है कि उन्होंने योगी से मुख्यमंत्री से फोन पे बात की है, उसका क्या कहना है आपका? दबाव में, उस दबाव में सहम है, उस घर में चार लोग हैं हाथ उसके अंदर, उस गांव के अंदर चार घर है, चार घर डेमेज, उन्हें बराबर प्रयास किया जाए। आप कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, क्योंकि उसमें सरकार की बेइज्जती हो रही है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी ना वो बेटी पढ़ेगी कैसे? जो आज जो बेटी का गला घोटा जा रहा है, लोग बेटी को पैदा क्यों नहीं कर रहे, आज यही कारण है। हर इंसान बेटी को पैदा नहीं करना चाह रहा है, ज़्यादा खौफ है। आज बहन बेटी घरों में दुबक गई है, स्कूल जाना बंद कर दिया लोगों ने। आज इस आंदोलन को आगे किस रूप में लेके जाएंगे, किस रूप से आगे बढ़ाएंगे? हम बराबर इसके धरना प्रदर्शन के रूप में हम सभी से, जनता से इसका सहयोग चाह रहे हैं, चाहे वो जाति किसी वर्ग का भी जाति का हो, और बराबर हम लोग उसमें सहयोग मिल ही रहा है।